हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं NVS TGT 2014 का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस पेपर से संबंधित हमने जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड के भाग पहले ही सॉल्व करके हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। आप उन्हें हमारी चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। हमने वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है, आप उसे वहां से भी देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सब्जेक्टिव नॉलेज के ऊपर, यानी कि हम आज बात करेंगे नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इंग्लिश के भाग के, जिसमें 80 प्रश्न हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सेक्शन सी अंग्रेजी के इस भाग को। हु रोट ओल्ड ऑसम बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स? ए टी एस इलाइट, बी स्लाइविया पाथ, सी वॉलेस स्टीवंस या डी डब्ल्यू एच ऑर्डन। दोस्तों, सही जवाब है ए टी एस इलाइट। द नेम ऑफ मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर हु वॉन द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर इज? ए सिर विंसेंट चर्चिल, बी बिटर ट्रेंड रसेल, सी वी एस नाइपॉल, डी डब्ल्यू बी ईट्स। तो दोस्तों, सही जवाब है बी बेटर एंड रसेल। द फंक्शनल एरा क्रिएटेड बाई अल्डस हक्सली इन हिज इपोच मेकिंग नोवेल ब्रेव न्यू वर्ल्ड? ए आफ्टर डर्विन, बी आफ्टर मार्क्स, सी आफ्टर फॉर्ड या डी आफ्टर आर्मागेडन। तो दोस्तों, सही जवाब है आफ्टर फॉर्ड। द थिएटर विच ईट्स लॉन्च्ड इन 1904 with his associate J.M. Siang? A. Yuri Lane Theatre, B. Royal Court Theatre, C. The Rose या D. Abbey Theatre। तो दोस्तों, सही जवाब है D. Abbey Theatre। Newspeak is an artificial language designed to diminish the range of thought in which book can you read about it? A 1984, B Brave New World, C The Cancer World या D Animal Farm। तो दोस्तों, सही जवाब है A 1984। Which of the following novels takes its title from a work by John Bunyan? A Dombey and Son, B Vanity Fair, C Lord Jim या D Jane Eyre। तो दोस्तों, सही जवाब है बी वैनिटी फेयर। अगला है, द स्ट्रगल फॉर रेडिकल सोशल रिफॉर्म इन 19th सेंचुरी फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ ए कॉनकॉर्ड, बी अ टेल ऑफ टू सिटीज, सी फ्लेक्स हॉल या डी प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो दोस्तों, सही जवाब है सी फ्लेक्स हॉल। In Memoriam was written in memory of A. Keats, B. Thomas Arnold, C. P. B. Shelley या D. A. H. Helen। तो दोस्तों, सही जवाब है D. A. H. Helen। Sissy Jupp is a character in A. Hard Times, B. Middlemarch, C. Judge of Obscure या डी डेविड कॉपरफील्ड। सही जवाब है ए हार्ट्स टाइम। अगला है, द राइटर हु रोट अ पोयम इन मेमोरी ऑफ ईट्स इज ए इलियट, बी ऑर्डन, सी सी डे लुइस या डी एडिथ सिटवेल। सही जवाब है बी ऑर्डन। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल मोमेंट्स वॉज जी बी शॉ associated? A
द फोर्थ इंटरनेशनल, बी द न्यू लेफ्ट, सी फेबियन सोसाइटी या डी लेबर पार्टी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है सी फेबियन सोसाइटी। द कैरेक्टर हुज निक नेम इज रैबिट, एन ऑर्डिनरी मिडिल क्लास मैन, लॉस्ट हिज स्टरिलिटी ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड इज फीचर्ड इन द वर्क्स ऑफ सॉल बेलो, स्लिम क्लेयर लुइस, हक्सली या डी अब डाइक। तो दोस्तों इसका सही जवाब है डी अब डाइक। सी ऑफ पॉपीज इज रिटन बाय ए अमिताभ घोष, बी विक्रम सेठ, सी अरविंद अदिगा या डी राजा राव। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ए अमिताभ घोष। अगला है एनेक्सिटी ऑफ इन्फ्लुएंस, द टर्म हैज बीन कॉइंड बाय लॉयनल ट्रिलिंग, बी हार्नॉल्ड ब्लू, सी क्लिंट ब्रुक्स या डी डेरिडा। सही जवाब है हेरोल्ड ब्लूम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मलिस्टिक क्रिटिक, ए आर्नॉल्ड, बी नॉर्थ्रॉप फ्राई या सी एम्सन या डी एज्रा पॉन। सही जवाब है एम्सन। वन ऑफ द फोर सेमिनल फेमिनिस्ट टेक्स्ट विच वन इज रिटन बाय अ मैन, ए ए Vindication of the Rights of Women, B the Second Sex, C A Room of One's Own या D An Easy on the Subjection of Women। सही जवाब है An Essay on the Subjection of Women। Paradox and Tension are critical term promoted by A Tate and Brooks, B Woodward and Coleridge, C Pond and Eliot या D Johnson and Petter। सही जवाब है Tate and Brooks। According to the Coleridge, what is that dissolve diffuses this space in order to recreate dash and to unify? A Fancy, B Secondary Imagination, C Empyeni या D Sensibility। B Secondary Imagination। The Long Revolution 1961 is written by David Deitch, Terry Eagleton, C Raymond Williams या D Jonathan Culler। सही जवाब है Raymond Williams। Difference is a critical concept introduced by A. Foucault, B. Lacan, C. Edward Said या D. Derrida। दोस्तों इसका सही जवाब है D. Derrida। Which device has been used in the line success is counted sweeps by those who never succeed? A. Hyperbole, B ambiguity, C conceit या D paradox। तो दोस्तों सही जवाब है D paradox। Darkness, visible and fearful joy are example of oxymoron, B antithesis, C anticlimax या D smile। सही जवाब है A oxymoron। Who of the following is supposed to be exponent of the theory of Dhavani suggestion? A. Bharat Muni, B. Anand Vardhan, C. Abhinav Gupta ya D. Kuntaka। Sahi jawab hai Anand Vardhana। Which of the following is not dramatic monologue? Ulysses Tennyson, B. Fra Lippi, Browning, C. On His Blindness, Milton, D. Love Song of J. Alfred Prufrock, Eliot।
तो दोस्तों सही जवाब है सी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन। द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पैथेटिक फैलेसी। बी बी सिनेडिकी, सी ट्रांसफर्ड एपिथेट, या डी मेटोनिमी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ए, पैथेटिक फैलेसी। हु ऑफ द फॉलोइंग डिड कॉइन द वर्ड याहू, स्विफ्ट, ट्वैन, वुड हाउस, या डी ओवर वेल। सही जवाब है ए, स्विफ्ट। द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रॉडी वॉज रिटन बाय एरिस मर्डॉच, बी यूरोल स्पार्क, सी वर्जीनिया वूल, या डी जी बी शॉ। तो दोस्तों सही जवाब है बी म्यूरियल स्पार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज फर्स्ट नोवेल इन इंग्लिश रिटन बाय एन इंडियन राइटर, ए कांतापुरा, बी अनटचेबल, सी राजमोहन स्वाई, या डी मुर्गन द ट्रेलर। सही जवाब है राजमोहन स्वाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय श्री औरबिंदो, द रिलीजन ऑफ अ मैन, बी द मार्क ऑफ विष्णु, सी डेली अ नोवल, या डी द फ्यूचर पोएट्री। तो दोस्तों सही जवाब है डी द फ्यूचर पोएट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय राजा राव, द मीनिंग ऑफ इंडिया, टू लाइफ, या सी डेथ ऑफ विष्णु, या डी द इंग्लिश टीचर। दोस्तों सही जवाब है द मीनिंग ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन ए। द 2013 नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर वॉज अवॉर्डेड टू ए चिनुआ एक्बे, बी एल एस मुर्नो, बी मार्गरेट एटवुड, सी वोल सोइनिका। तो दोस्तों सही जवाब है बी एलिस मुनरो। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन राइटर वॉज गिवेन अ साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश 2013, बी एलन सेली, बी विक्रम सेठ, सी टेम्सुला आओ, या डी अंजुमन हसन। दोस्तों सही जवाब है सी टेम्सुला आओ। द सेंट्रल कैरेक्टर इन रशदीप्स मिडनाइट्स चिल्ड्रन इज ए पद्मा, बी डॉक्टर नल्लिकर, सी शिवा, डी सलीम सिनाई। तो दोस्तों सही जवाब है ए पद्मा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल्स इज रिटन बाय मार्गरेट एटवुड, ए क्राई द बिलव्ड कंट्री, बी फो, सी द हैंडमेड टेल, या डी अ मैन ऑफ द पीपल। दोस्तों सही जवाब है सी द हैंडमेड टेल। विच ऑफ द फॉलोइंग नोवल इज सीक्वल ऑफ चिनुआ एक्बेस फर्स्ट नोवल द थिंग्स फॉल अपार्ट 1958, ए एरो ऑफ गॉड, बी अ मैन ऑफ द पीपल, सी एंथलेस ऑफ सवनहा, या डी नो लॉन्गर ईज। सही जवाब है नो लॉन्गर एट ईज। जुलाईस पीपल इज अ नोवेल रिटन बाय नेडनी गॉर्डमर, बी कॉजी, सी एलन पैटन, या डी वोल सिंह का। दोस्तों इसका सही जवाब है ए नेडनी गॉर्डमर। Who of the following writer is credited with having coined the term cyberspace? A. Bruce Sterling, B. Rudy Rucker, C. William Gibson, D. Neil Stephenson. Sahi jawab hai C. William Gibson. The Playboy of the Western World is a play by A. Bertolt Brecht, B. G.B. Shaw, C. J.M. Fiang, या D. Ino Esco. अब है C. J.M. Fiang. The Time Machine is a novel written by Erlen Wog, B. Atlas
हक्सली, सी जॉर्ज ओरवेल या डी एच जी वेल्स। सही जवाब है डी एच जी वेल्स। रोनाल्ड ब्रेथ्स इज द ऑथर ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्सेट्स, ए द डेथ ऑफ ट्रेजेडी, बी द डेथ ऑफ द ऑथर, सी द डेथ ऑफ लिटरेचर या डी द डेथ ऑफ अ हीरो। सही जवाब है बी द डेथ ऑफ द ऑथर। द ब्रदर्स करमाज़ोव द फेमस नोवेल वॉज रिटन बाय, लियो टॉल्स्टॉय, बी चेखोव, सी दस्तोवस्की या डी पुश्किन। सही जवाब है सी दोस्तोवस्की। द वेस्ट लैंड द फेमस पोएम बाय टी एस इलाइट इज डिवाइडेड इंटू ए थ्री पार्ट्स, बी फोर पार्ट्स, सी सिक्स पार्ट्स या डी फाइव पार्ट्स। दोस्तों सही जवाब है डी फाइव पार्ट्स। हु ऑफ द फॉलोइंग सेड मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, ए विलियम ब्लेक, बी विलियम एम्सन, सी सी एस लुईस या डी फ्रैंक कमोड। स्ट्रोक, एंटी स्ट्रोक एंड इपोड फ्रॉम अ थ्री पार्ट स्ट्रक्चर इन अ ग्रीक ओड, बी अ क्लासिक ओड, सी अ मेडिवल ओड या डी अ पर्शियन सोनेट। बी अ क्लासिक ओड। द वेल रॉट अर्न इज रिटन बाय, ए रेने बिल्क, बी विंसेंट, सी क्लिंथ ब्रूक्स या डी टेरी इग्लिटन। सही जवाब है सी क्लिंथ ब्रूक्स। द सोल ऑफ ट्रेजिडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टॉटल इज अ कैरेक्टर, बी थॉट, सी स्पेक्टिकल या डी प्लॉट। तो इसका सही जवाब है डी प्लॉट। द ऑथर ऑफ द हंग्री टाइड इज अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, शोभा डे या डी उपमन्यु चटर्जी। सही जवाब है ए अमिताभ घोष। द वुमन कैरेक्टर हु इज एन आर्टिस्ट बाय प्रोफेशन इन वर्जीनिया वुल टू द लाइट हाउस इज ए मिसेस रैमसे, बी लिली ब्रिस्को, सी मिसेस डॉल या डी मिरियम। सही जवाब है बी लिली ब्रिस्को। द पोएट हु डिस्क्राइब्ड पोएट्री एज इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स इज ए टी एस इलियट, बी जी एम ऑप्सकिन या सी एज्रा पाउंड या डी ईज। सही जवाब है सी एज्रा पाउंड। द पोस्टमसली पब्लिश्ड नोवेल ऑफ जेन ऑस्टिन इज ए सेंस एंड सेंसिबिलिटी, बी मैंसफील्ड पार्क, सी एमा या डी नॉर्थ एंजर एबे। सही जवाब है डी नॉर्थ एंजर एबे। काली सैरटर रिस्टार्ट्स मीन्स, ए द टेलर रिटेलर्ड, बी आई नो नॉट वेयर, सी सैटन्स स्टोरी रिटोल्ड या डी अ सेट ऑफ एलिगेंट क्लोथ। सही जवाब है ए द टेलर रिटेलर्ड। द थिएटर ऑफ क्रुएलिटी इज एसोसिएटेड विथ, ए ग्रोटोस्की, बी एंटोनिन आर्टर, बी सी ब्रेच या डी यूनेस्को। सही जवाब है ऑप्शन। यूजिंग द एक्सप्रेशन क्राउन फॉर मोनार्ची इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोल, बी पर्सोनिफिकेशन, सी मोनोटनी या डी सिडनी ओच। सही जवाब है सी। अगला है, द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्च राइटिंग इज डेवलप्ड बाय, ए फुकॉल्ट, बी
ब्रैक्स, सी जी सी सिपवा, ये डी डेरिडा। सही जवाब है डी डेरिडा। टेबल टॉक इज कलेक्शन ऑफ एसे बाय ए हेजलिट, बी लैम, सी हंट, या डी एडिसन। सही जवाब है ए हेजलिट। हेजलिट। डॉक्टर जॉनसन्स डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1757, 1756, C 1755 या D 1758। सही जवाब है C 1755। अगला है विली लोमैन इज अ कैरेक्टर इन अ डॉल्स हाउस, बी चेरी ऑर्चर्ड, सी वेटिंग फॉर गोडॉट, या डी डेथ ऑफ सेल्समैन। इसका सही जवाब है डी डेथ ऑफ अ सेल्समैन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज रिटन बाय सैमुअल बेकेट, ए एंड गेम, बी अ डॉल्स हाउस, सी वॉलपोन, या डी मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन। सही जवाब है ए एंड गेम। हु रोट अ टाइगर डज नॉट प्रोक्लेम इट्स टाइगर ट्यूड, ए नुगई, बी होल सियंका, बी एक्बे, या डी डर्क वॉलकॉट। इसका सही जवाब है बी होल सिंका। डिड ही हु मेड द लैम मेड बी अपियर इन द पोयम, ए चिमनी स्वीपर, बी लंडन, सी द टिगर, या डी इंट्रोडक्शन। सही जवाब है सी द टिगर। इन हिज फॉरवर्ड ऑफ कांतापुरा, राजा राव डिस्क्राइब्स कांतापुरा एज अ हिस्टोरिकल नोवेल, बी पॉलिटिकल नोवेल, सी वर्क ऑफ मैजिक रियलिज्म, या डी स्थलपूर्णा लेजेंड ऑफ अ प्लेस। सही जवाब है डी स्थलपूर्णा यानी लेजेंड ऑफ अ प्लेस। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द ग्रुप द यूनिवर्सिटी विद्स, ए बेन जॉनसन, बी थॉमस नेशे, सी क्रिस्टोफर मार्लोवी, या डी जॉर्ज पेले। सही जवाब है बेन जॉनसन। द ग्रेट गैट्सबी इज रिटन बाय अ सॉल बेलो, एफ स्कॉट फिगरलैंड, सी जॉन अपडाइक, या डी एच लॉरेंस। सही जवाब है एफ स्कॉट फिगरलैंड। Who among the following has translated Beowulf? A. Thom Gunn, B. Edward Thomas, C. Seamus Heaney, या D. Alan Lewis। तो दोस्तों सही जवाब है C. Seamus Heaney। Which of the following feminist critics used the term gynocriticism for the first time? A. Kate Millett, B. साइमन डी बियोवियर, सी मैरी एलमन, या डी एलन शॉ वॉल्टर। जवाब है एलन शॉ वॉल्टर। एनाग्रोसिस इज अ टर्म यूज बाय एरिस्टॉटल इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब, ए द मोमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय प्रोटैगनिस्ट, बी द रिजर्वल ऑफ फॉर्च्यून, the happy resolution of the plot, या D convergence of the main plot and the subplot। दोस्तों सही जवाब है A the moment of discovery by protagonist। Only Connect is the epigraph to a novel by B H Lawrence, B E M Foster, C Virginia Woolf, या D Joseph Conrad। सही जवाब है बी ई एम फॉस्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल्स मेक इंट्रा टेक्सचुअल रेफरेंस टू जेन ईयरे, ए नो टेलीफोन टू हेवन, बी क्रिक क्रैक मंकी, सी वाइट सैड गैसोसी, या डी बिटवीन टू वर्ल्ड्स। इसका सही जवाब है सी वाइट सैड गैसोसी।
जीएम कॉट्जी फो इज अ पोस्ट मॉडर्न रिटेलिंग ऑफ ए इवान हु, बी एवलियना, सी द मूनस्टोन, या डी रॉबिन्सन कर्सो। सही जवाब है डी रॉबिन्सन कर्सो। द अप्रेंटिस इज रिटन बाय ए अरुण जोशी, बी जी वी देसानी, बी भवानी भट्टाचार्य, या डी नयनतारा सहगल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अरुण जोशी। श्री डैम्स फर्स्ट प्ले वॉज सेंट पैट्रिक डे, बी द राइवल्स, सी अ ट्रिप टू स्कार्बरो, या डी स्कूल ऑफ स्कैंडल। इसका सही जवाब है बी द रिवर्स। द टर्म कैंपस नोवेल इज एसोसिएटेड विथ ए ग्राहम ग्रीने, बी विलियम गोल्डिंग, सी मार्गरेट ड्रैबल, या डी किंग्सली एमिस। द लाइन आई एम नो प्रिंस हैमलेट नॉर वॉज मेंट टू बी डैश अपियर इन टी एस एलियट। ए द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फर्ड प्रू फ्रॉक्स, बी फोर क्वार्टेट्स, सी जी रॉन नेशंस, या डी द वेस्ट लैंड। सही जवाब है ए द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फर्ड प्रू फ्रॉक। बोसला इज अ कैरेक्टर इन अ प्ले बाय बेन जॉनसन, बी वेबस्टर, सी मार्वलो, या थॉमस मिडलटन। सही जवाब है बी वेबस्टर। द प्ले अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट इज रिटन बाय मैग्रेट एटवुड, नेडनी गॉर्डिमर, मूल सिंका, या न्यूगीगी। सही जवाब है सी मूल सिंका। हु अमंग द फॉलोइंग पॉपुलराइज्ड द एक्सप्रेशन द टू कल्चर, ए टी एस एलियट, बी मैथ्यू आर्नल, सी रेमंड विलियमसन, या डी सी पी स्नो। सही जवाब है डी सी पी स्नो। ब्लिस वॉज इट इन दैट डाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन, दिस ऑकर्स इन अ पोएम बाय ए विलियम वुड्सवर्थ, बी एस टी कोलरेज, सी ब्रियॉन, या डी शेल। विलियम वुड्सवर्थ। इन द वेस्ट लैंड एलियट यूजेस द एक्सप्रेशन इल मिग्लियर फेबोर टू रेफर टू ए डब्ल्यू बी हीथ, बी इज़रा पॉन, सी स्लाविया पार्क, या डी डब्ल्यू एच ऑर्डन। सही जवाब है बी इज़रा पॉन। द टर्म अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज ड्राइव्ड फ्रॉम द राइटिंग ऑफ मैरी सिंक्लेयर, डॉरोथी रिचर्डसन, विलियम जेम्स, या जेम्स जॉइस। सही जवाब है सी विलियम जेम्स। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।